योगी ने कहा था कि वो माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और पिछले 3 दिन से माफिया अतीक अहमद के गैंग के लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा। आज प्रयागराज में एक और घर ध्वस्त कर दिया गया। इसे सिर्फ घर नहीं, आलिशान मकान या हवेली कहेंगे, जो अतीक अहमद से जुड़े माशिकुद्दीन की हवेली थी। माशिकुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि वो अतीक अहमद का फाइनेंसर था और उसके पैसों को मैनेज करता है। माशिकुद्दीन के घर पर नगर निगम की टीम 4 बुलडोजर लेकर गई, 4। पहले घर को खाली करवाया, दोपहर बाद इस हवेली को गिराने का काम शुरू। बताया जाता कि इस मकान की कीमत 3 करोड़ के आसपास है, लेकिन 3 घंटे में बुलडोजर ने मकान को मिट्टी में मिला दिया, धूल धक्कड़ कर दिया। यह पहले मकान था, किस तरह का आलिशान मकान है, और उसके बाद जब धूल धक्कड़ हुआ तो उसकी तस्वीर भी दिखाइए कि क्या यह हो गई हालत। यह है योगी मॉडल। जिस माशिकुद्दीन के घर पर बुलडोजर चला, उसके बारे में कहा जाता है कि उस पर कम से कम 16 आपराधिक केस चल रहे। माशिकुद्दीन के परिवार को जोड़ लिया जाए तो पूरे परिवार पर 40 केस चल रहे। पिछले 3 दिन में माशिकुद्दीन जैसे अतीक अहमद से जुड़े 4 लोगों के मकान बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिए। प्रयागराज के अलावा मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की कोठी तोड़ दी गई। जानकारी के मुताबिक उमेश पाल के हत्यारों को पुलिस से बचाने में मुख्तार अंसारी गैंग का नाम सामने आया, जिसके बाद मऊ के दक्षिण टोला के जहांगीराबाद में अब्बास अंसारी की 2 करोड़ की कोठी को बुलडोजर से गिरा दिया। यूपी में माफिया पर बुलडोजर चला तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क को दर्द होने लगा। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि यूपी में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। सीएम योगी को चेतावनी देते हुए कहा कि एक दिन जब सत्ता नहीं रहेगी तो वो भी बुलडोजर की जद में आ जाएंगे। ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है, और खास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उसको, तो मिटाने की बजाय सरकार का निज़ाम ठीक कीजिए। कानून मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, तो कानून के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा? डेमोक्रेसी है इस जगह, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है इस जगह, लेकिन इसके बावजूद बुलडोजर का व्हाट डज इट मीन? बुलडोजर से क्या मतलब है? क्या बुलडोजर से सारी दुनिया को मिटा दोगे तुम? है अबे, एक दिन तुम भी अगर इस ओहदे पर न रहे तो तुम भी उसी सब में आ जाओगे। यहां एक सिटिंग सीएम को बताया जा रहा है कि तुम भी एक दिन इसके जद में आ सकते हो, और राहुल गांधी विदेश में बता के आए हैं कि मुसलमान जो हैं वो खतरे में, कि अल्पसंख्यक जो हैं वो दबाए जाते हैं।